सभी का मंगल हो। नमस्कार। दांपत्य जीवन के अंदर कई बार ऐसी ऐसी खटासें, ऐसी ऐसी बातें बन जाती हैं कि जिसमें कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। कुछ के हो जाते हैं, बाकी बस वो बनी रहती स्थिति, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा वाद विवाद। लेकिन हम इस चीज़ को गहराई से नहीं सोचते कि जहाँ लड़के लड़की की भी चूक बराबर मात्रा में है, वहीं पे कुछ चूक लड़की के पियर वालों की तो कुछ चूक लड़की लड़के के माँ बाप की भी या परिवार वालों की भी। मैं इन चारों का खुलासा करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरे पास ऐसे आसे आते रहते हैं जी, वो हमारी बहू चली गई, अब आ नहीं रही है, इतने महीने हो गए पियर बैठ गई, या क्या कहते हैं लड़की पियर आई भी थी, अब वो पति नहीं लेने आ रहा, ना बुला रहा है, ना कुछ कर रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, मैं कई बार वीडियो बोल चुका हूँ, इस तरह लेख भी लिख चुका हूँ, लेकिन कैसे पार पड़ेगी जब हम छोटी छोटी चूकों पर चलते हैं। सबसे पहले पति महोदय को लेते हैं। पति महोदय या तो बहुत तेज़तर्रार मिलेगा, इतना तेज़तर्रार मिलेगा, मतलब तेज़तर्रार का मतलब गुस्से वाला, क्रोधी, जिद्दी, पूरा दबाव बना के चलेगा, वैसे ही उस जगह स्त्री का जीना बड़ा असंभव सा हो जाता है, दुसाध्य हो जाता है, असंभव तो क्या, दुसाध्य हो जाता है, बड़ी दुविधा में रहती है। तो कई जगह पति जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही एकदम से जिसको कहना चाहिए ना कि एक दब्बू स्वभाव का, या यूँ कहिए कि छुपा रुस्तम भी कह सकते हैं, दोनों का अलग अलग है अर्थ, लेकिन वही दब्बू स्वभाव का मतलब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने परिवार के बीच में या उसको कुछ किसी को कुछ बोलते, वो अपना चुप चुप सा रहता, दबा दबा से रहता है। छुपा रुस्तम ये है कि उसको सब समझ होती है, उसको इतनी समझ होती है कि मेरे को पत्नी को अकेले को कैसे मनाना है, उसके पियर वालों के सामने कैसे अच्छा दिखाना है, और अपने परिवार के आगे साहूकार बनना है। वो कोई बात अपनी पत्नी को ना बोलकर अपने पेरेंट्स को बोलेगा, अपनी बहन को बोलेगा, भाभी को बोलेगा, जो भी बता, माँ को बोलेगा, जैसा भी, पत्नी को नहीं बोलेगा। और जब उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कोई भी बात उससे करना चाहेंगे तो चुप लगा जाएगा, और वैसे अकेले में सारी बात मान लेगा। कुछ ऐसे होते हैं दब्बू जो कुछ भी नहीं बोलते, ना उधर की बोले ना इधर की बोले, वहाँ पे भी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, किसी बात का प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं, बात तक नहीं करते हैं, अपने काम में मशगूल रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। आप कोई छोटी सी बात पकड़ लेंगे, तुमने मेरी दादी का ऐसे नहीं करा, तुमने कहते मेरी माँ को नहीं पूछा, मेरी बहन के लिए तुम ये नहीं कही थी जब लेकर आई, तुम एक फ़ोन तो कर लेती, सब क्या, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं, ना कुछ शिकवा, ना कुछ शिकायत, सारी बातें जो अपने अपने परिवार से करना, तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ वाली बात है। वो फ़ोन कर रहे हैं या कोई बात हो रही है या और कोई चीज़ हो, गुस्सा किसी और चीज़ का निकालेंगे पत्नी पे, तो मुझे बात नहीं बताती है, अरे तुम कौन सा बता के राजी हो, वो तो फिर भी बता देती है। अब कोई चीज़ बात अगर आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं समझा, तो उसको कहो भी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं, तो मुझे क्लियर कर दे। और अगर आपको मन में कुछ आती है, थोड़ी उसके पियर वालों को गालियाँ देना, उसको बहुत ज़्यादा कठोरता से बोलना, पूरे घर में हंगामा कर देना, एक अजीब स्थिति कर देना। हम ये भूल जाते हैं कि इस भारत के अंदर स्त्रियों को इस चीज़ की शिक्षा बहुत दी जाती है, और दिमाग में बैठ जाती ना कि भाई सुहाग ही सब कुछ है। वो पति के इस चीज़ से बहुत डर जाती है कि पति कहीं मर गया तो, ये कुछ कर बैठा तो, विदेशों में इस चीज़ की परवाह नहीं, तो मरता तो मर, जीता जी, जो भी कुछ है, अगर ज़्यादा बात है डाइवोर्स, वहाँ सिंपल सा गणित है, ठीक है, दिखते वहाँ भी चलते, लेकिन एक मैंने बताया यहाँ के वहाँ के कल्चर में अंतर है, हमारा एक संस्कृति है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है स्त्रियों की, वो स्त्री भी जो पत्नी के रूप में होती है, वो भी जाती है उनको सुधारना चाहती है, सच का दर्पण दिखाना चाहती है, जी मैं तो झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, वगैरह वगैरह, अरे राजा हरिश्चंद्र तो कोई भी नहीं है। और फिर एक चीज़ भूल जाती है, तुम उनके घर गए हो, वहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो वहाँ का एक परिपाटी चली आ रही है, कुछ चीज़ चली आ रही है, उसको पहले समझो, उसको अडॉप्ट करो, उनके दिल को जीतो। दिल जीतने के बाद फिर धीरे धीरे कि मम्मी जी ये चीज़ अगर हम ऐसा कर ले तो, सीधा अटैक भी मत करनी, ये अच्छी बात नहीं है, मम्मी जी अगर इसको हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, वो भी लंबे समय के बाद, साल भर तो पहले उनको समझने में लगाओ, उनका दिल जीतने में लगाओ, उसके बाद धीरे धीरे कोई बात रखो, खुद रखो, पति के थ्रू मत कहलाओ, पति को ढाल मत बनाइए। लेकिन होता क्या है
कि हम उनकी छोटी छोटी खुशियों में भी क्या कहते हैं हम शरीक नहीं होना चाहते, वहाँ पे भी हम अपने आप को एक बराबरी के मुकाबले में लग पड़ते हैं कि नहीं जी, मैं तो ऐसी रहती थी अपने पीर में, ऐसी रहूँगी, मेरा तो यही स्वभाव है, यही सब कुछ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उनकी इच्छाएँ। एक पति को ये कि मेरी पत्नी सज के रहे, एक परिवार को ये कि मेरे परिवार के अंदर बहू बहू बन के भी एक रहे, मतलब चाहे वो काम कर रही सर्विस कर रही लेकिन फिर भी थोड़ा घर में आए तो बहू की तरह लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे, उसमें भी दिक्कत है। अगर उसको अपनी माँ को, अपनी माँ मतलब मम्मी मतलब सास को बता के जाना पड़े या पति को, तो उसको गवारा नहीं, क्यों जी मैं तो बराबर की हूँ, ये भी तो बिना बताए जाते हैं, मैं भी जाऊँगी, एक समस्या ये भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी बातें। पियर वालों का क्या रोल है, लड़की के पियर वालों का रोल क्या है, वो या तो बिल्कुल चुप रहेंगे, मैं उनको दोष नहीं दे रहा, चूक कर सबकी चूकें बता रहा हूँ, दोष किसी पर नहीं दे रहा, चूक जिसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ता। अब कुछ मालूम पड़ता तो हम या तो चुप लगा जाएंगे, पियर वालों की बात कर रहा हूँ, या फिर एक बात हाँ ठीक है तू जो कर रही वो ठीक कर रही है तो तेरे हिसाब चल। सबसे पहले उसको शिक्षा देनी, तू जिस घर में गई है उस घर के हिसाब से भी चल के दिखा उनको, उनका दिल तो जीत के दिखा। अब पति की आदत अगर नहीं कम बोलने की या नहीं बोलने की या जैसा भी कुछ है तो उसके मुंह फुलाने से क्या होगा जी, वो क्या सुधर जाएगा, और बिगड़ेगा, नहीं सुधरेगा। आप अपने तरफ जतन करते रहो, अपने अपनी तरफ से बढ़िया ढंग से सज धज कर रहो, अच्छे से अच्छे करते रहो, अपने मम्मी पापा जो सास ससुर उनके साथ तालमेल बना के चलो, सारा कुछ मतलब आप ये कह के पीछा मत छुड़ाओ जी मैं तो बहुत कुछ करते जी, करते तो करते चलो ना, क्या दिक्कत है, आपके ऊपर पॉइंट नहीं लगना चाहिए। हर घर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, हर घर का अपना एक सिस्टम होता है, रीति रिवाज होते हैं, उनको पालन करना पड़ेगा आपको। आप फिर वैसे भी आप उस घर में गई ना कि लड़का आपके घर में आया, संसार में लड़का ही लड़की ही लड़के घर जाती है, एक आधा कोई 0.1% को कबीला को छोड़ के, कबीलों को छोड़ के। लड़के के पेरेंट्स वाले, लड़के के पेरेंट्स क्या करते हैं अभिभावक, वो हर छोटी छोटी बात को खोद खोद के अपने बेटे से पूछते रहेंगे, समझते रहेंगे, भांपते रहेंगे, फिर एकदम से उस पर लड़की पर अटैक करेंगे, मतलब कोई ना कोई बात सुना देंगे, कर देंगे, या फिर एक बार भी नहीं कहते बेटा मेरे से कोई बात ना कर, तू सारी बातें बहू से करा कर, हमसे जब कर जब तू सारी बातें बहू से कर चुका, जितनी बात तू हमसे करता है चाहे कितनी महत्वपूर्ण हो, बहू को मालूम है कि नहीं, बहू को भी उतनी बातें कर, तब तो पार पड़े, नहीं उसको कलब करेंगे हम। अब आजकल के आधुनिक बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं सर, तो कुछ चीज़ें हमें भी तो पचानी चाहिए, हमें भी समय के हिसाब से ढलना चाहिए, अपनी बात भी रखिए, माने तो माने, ना माने तो ना माने। मैं हम लोग भी नहीं, आप ये सोचते मैं यहाँ वीडियो बोलूँ क्या, हम लोग नहीं पचाते हैं, आजकल के बच्चे तर्कशील हैं, पहले हमने समझाने की चेष्टा करी, कुछ बताने की चेष्टा करी, अब जैसा क्या कहते हैं वो चल रहे हैं, उनको हर चीज़ में जी मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो ऐसा वो नहीं है, तो क्या हमने पचा लिया सारी बातें, हो गया ना वो अपनी, हर एक का अपना स्टाइल होता है, आप भी पचाइए ना इस चीज़ को। लेकिन उसके लिए बहुत भारी एक अजीब सी स्थिति पैदा करना, याद रखना यदि स्त्री उत्थान पतन का कारण है तो फिर पति भी दो परिवारों के बीच में सेतु है, पुल है, संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूती प्रदान करने वाला पुल है। दो परिवार का मतलब पत्नी और पत्नी के परिवार, पियर वाले, और साथ में क्या कहते हैं पत्नी के लिए, पत्नी के परिवार के लिए, साथ में अपने परिवार के बीच में। तो कोई भी छोटी मोटी बात हो पति को भी बड़े तरीके से उस चीज़ को सुलझाना चाहिए, कुछ अलग से भी उसको भी समझाना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, हंसते खेलते थोड़ा सा करते कराते अपना एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। याद रखिए हम बड़े लोग अभिभावक जिनको बोलते हैं, हम तो संसार से चले जाएंगे आने वाले समय में बेटा, ये यही आप लोगों का काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। पत्नी को भी सोचना चाहिए, जिसके बल पे आप आज खड़ी हैं, चाहे भले ही आप कमा रही हैं, लेकिन जो आपका सिंदूर है, आप चलो सिंदूर भी नहीं लगाती, एक ही बात है, पति तो मान रखा ना, तो जिसके बल पे आज कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर है, परिवार है, बच्चे ही पैदा हो गए, सब कुछ है, बढ़िया ढंग से चल रहा है, फिर भी आपका मन नहीं भरता, संतुष्ट नहीं, आप कोई ना कोई लेके बात को खींचातान करती रहती हैं, हर बात में क्यों का जवाब, ये स्पष्टीकरण लेना, फिर बहस में आना कभी कभी, ये क्या मजाक है। आज आप ये सोच के देखो, अगर वो पति आज मर जाता है अभी इसी समय, आपकी क्या स्थिति होगी, आप एक विधवा तो पहले कहलाओगी, उसके बाद आपकी स्थिति क्या होगी। हर चीज़ का निदान दूसरी शादी नहीं होता है, मतलब मैं बिना मरे की बात भी कर रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल भी चल रहे हो इस तरह के आप करते हैं, हर चीज़ का निदान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरी शादी नहीं होता,
बहुत एक्सट्रीम, बहुत दूसरी बात होती है, लेवल की बात होती है। निदान तो आपस में निकाला जाता है, और अधिकांश परिवारों के अंदर, भारत के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से कक्ष तक, केवल एक ही छोटी छोटी बातों का वाद विवाद बनता है। छोटी छोटी बातें, और पति उस जगह हक्का बक्का रहता है, चुप लगा जाता है, बात नहीं कर पाता, पुल का काम नहीं करता है, संबंधों में तालमेल नहीं बैठाता, वो अपने मशगूल रहता है, तो कैसे पार पड़ेगी। स्त्रियां भी ऐसी हैं कि वो भी बराबर जेंडर मुकाबला करना चाहती हैं कि नहीं, हम बराबर के हैं, पुरुष के बराबर के हैं, मैं झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं करती, वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग अभिभावकों को भी समझना चाहिए, समझाना चाहिए, बजाय बात को पकड़ के। जब आप घर में पढ़ी लिखी बहू लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सहन करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो 30 साल पहले थी। अगर आपकी शादी 30 साल पहले हुई, 25 साल पहले हुई, और या उससे और पहले हुई, तो अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी, समय चेंज हो गया। अपनी भाई बेटियों को देख लीजिए, वो भी पूरी तरह चेंज है, तो वो भी जहाँ जाएंगी वो अपने हिसाब से चलेंगे, उनको नहीं होगा। और स्त्रियों का तो वैसे भी याद रखिए, हर चीज़ में बार बार मुंह फुलाना, करना, अपने आप को बस कोफ्त में रहना, अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमें भगवान पे आस्था भूल के उस ढंग से नहीं, विश्वास नहीं, हम खाली बस मानते मानते हैं, जानना तो मतलब ही नहीं ना। और ना ही हम कोई व्यवहारिक ज्ञान की बातें सुनना, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिसको लेके हम कुछ करें, बस अपने आप उधेड़ बुन किंतु परंतु, अपनी सर्विस, अपना कैरियर, और अपना बस अपने हिसाब से। तो उसमें भी कई बार दिक्कतें बनती रहती हैं। सब तरफ से, खास तौर पति पत्नी को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। बार बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि दूसरी शादी निदान नहीं है, इस चीज़ का गौर कर लीजिए आप, ठीक है। अपने आप को बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत सारी बातों को एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए मान लिया दोनों में से एक पक्ष अगर एडजस्ट कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक पक्ष कर लीजिए, चलाइए उस चीज़ को। ये डोर इतनी जल्दी नहीं टूटती, नहीं तोड़नी चाहिए। नमस्कार, मंगल कामना।